हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिविंग इट अप विद बीनिश। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं स्टीम चिकन। मैंने एक चिकन ले लिया है, ये मीडियम साइज़ की है। इसे धोकर कट्स लगा लिए हैं। स्टीम चिकन बनाने का फर्स्ट स्टेप ये है कि हम क्या करेंगे कि इस चिकन के अंदर हम इतना पानी डाल देंगे कि जितना कि ये डूब जाए पानी में, तो दिस इज़ गुड इनफ। और साथ में डाल रही हूँ मैं 1.5 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून वाइट विनेगर। इसको कर देंगे मिक्स पानी के अंदर अच्छी तरह। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको नमक और विनेगर के पानी के अंदर तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। आ जाते हैं सेकंड स्टेप के ऊपर, जो कि है चिकन की मैरिनेशन। तो मैरिनेट करने के लिए चिकन हम यूज़ कर रहे हैं योगर्ट 5 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर हम यूज़ करेंगे 2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, अजवाइन यूज़ करेंगे 1/4 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, जायफल और जावित्री का पाउडर यूज़ करें 1/4 टीस्पून, नमक डालेंगे 1 टीस्पून। हम कम ज़्यादा कर लेंगे बाद में, क्योंकि मैंने भिगोया भी है तो थोड़ा सा ध्यान से नमक डालेंगे। 1 टेबल स्पून डाली हूँ लाल मिर्चों का पाउडर। जिंजर और गार्लिक पेस्ट हम ले रहे हैं 1 टीस्पून ईच। येलो कलर मैंने लिया 1/4 टीस्पून और उसमें 1 टेबल स्पून पानी डाल के रख लिया। ये हम चिकन के ऊपर लगाएंगे। लेमन जूस 2 टेबल स्पून। चिकन को मैंने ड्रेन आउट कर दिया है विनेगर और सॉल्ट वाले पानी से, और मैंने इसको अच्छी तरह पानी के साथ धो भी लिया है। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था ताकि पानी सारा ड्रेन आउट हो जाए अच्छी तरह और ये खुश्क हो जाए। तो हमने येलो कलर लिया था। अब हम क्या करेंगे कि हम चिकन को ऊपर ऐसे ब्रश करेंगे, किसी भी पेस्ट्री ब्रश को लेके इस तरह सारों को हम ब्रश कर लेंगे। हर पीस के ऊपर लगाना है आपको, इससे बस कलर अच्छा आता है। एज यू कैन सी अभी से इसके ऊपर कलर आ रहा है। मैंने इसको कर लिया है कलर, और मेक श्योर कि आप ग्लव्स पहने, क्योंकि मैंने भी अपने हाथों को थोड़ा सा कलर कर लिया और अपने फिंगर नेल्स को भी। तो अब हम क्या करेंगे, लेमन जूस डालेंगे, दही डालेंगे। अब जाएंगे इसके अंदर सारे मिर्च मसाले और जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये ऐड करी हूँ मैं कॉर्नफ्लावर। अब हम इसको अच्छी तरह चिकन के ऊपर कोट कर देंगे। अच्छी तरह चिकन के अंदर भी जो कट्स हैं उसके अंदर भी मसाला जाए। यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको ओवरनाइट रखती हूँ। ऐसे बनाया आपने और इसको ओवरनाइट रख दिया, बहुत अच्छी तरह अंदर तक चला जाता मैरिनेशन। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप इसको 3 से 4 घंटे ज़रूर रखें। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। आप क्या कर रही हूँ, चिकन को हम स्टीम करने के लिए रखेंगे। उसके लिए मैंने एक पॉट में ऑलरेडी 4 कप पानी चढ़ा दिया है हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि वह थोड़ा गर्म हो जाए। इनके अंदर जब हम उसको डालेंगे, साथ में मैं एक आलू मैंने ऐसे छील के काट के रख लिया है। मैंने सिर्फ इसलिए इसको पानी में भिगोया था ताकि ये काला ना हो। तो मैं क्या करूँगी, इसी को ना इसी के मसाले के साथ थोड़ा सा कर दूँगी कोट, ताकि आलू में भी थोड़ा सा मसाला चला जाए। आप और भी आलू डाल सकते हो। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ऐसा भी आप कर सकते हो। आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, वेजिटेबल्स या कोई भी सब्ज़ी, आपकी मर्ज़ी है। साथ में लेमन यूज़ करूँगी चिकन के ऊपर रखने के लिए, थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए। मैं जब हम चिकन को करेंगे फ्राई, सॉटे मैंने करना है, तो साथ में हम अनियन और 2 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। मैं जो पॉट यूज़ कर रही हूँ उसके साथ ऐसे स्टीमर इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक ऐसा बटर पेपर बिछा लेंगे। मैंने इसके लिए काट के इसकी साइज़ का रख लिया। आई होप आपको नज़र आ रहा है। यस, नज़र आ रहा है। कोई भी चीज़ से आप होल्स पोक कर लें ताकि जो एक्सेसिव पानी है वो नीचे पॉट के अंदर ड्रेन होता रहे। इसी तरह आप सारे कर लो। ऐसा टोल्ड यू कि मैंने एक पॉट के अंदर पानी ऑलरेडी 4 कप डाल दिया था बॉयल होने के लिए, और अब मैं ये स्टीमर जो है वो बीच में इसके रख रही हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, चिकन आप लाइन अप कर, ऐसे लाइन अप करके लेमन मैंने आपको बताया था हमने डाला है। मैं सिर्फ उसके 2 पीसेस ऐसे इसके ऊपर रख रही हूँ, बाकी मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो अब क्या करेंगे, हम इसको दे देंगे लेट और हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे फॉर अराउंड 25 से 30 मिनट्स। इट डिपेंड्स आपके चिकन का क्या साइज़ है। मैंने मीडियम साइज़ की चिकन ली है तो ये जल्दी हो जाएगी। तो अभी मैंने फ़िलहाल के लिए इसको हाई फ्लेम पे रखा है, पर जैसे ही मैं लिड लूँगी, लिड देने के बाद हम इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। जैसे मैंने लिड दी है भाप बननी शुरू हो गई है। अब मैं इसको कर दूंगी लो फ्लेम के ऊपर। तो आधा घंटा हो गया है, तो अब मैं इसकी लिड उतारूंगी। वाह, परफेक्टली बन गया। चिकन कॉर्नफ्लावर लगाने की वजह से इसका मसाला इसके ऊपर बिल्कुल स्टिक हुआ हुआ है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई के अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल लिया है और अब हम इसमें चिकन करेंगे सॉटे। यू डोंट हैव टू डू दिस स्टेप, आप इस स्टेप को ओमिट भी कर सकते हैं अगर आप डाइट कॉन्शियस है। हल्का सा जब चिकन के ऊपर कलर आने लगे तो आप इसके अंदर ऐड कर दें अपनी साबुत हरी मिर्चें और जो अनियन रिंग्स आपने काट के रखे थे उसको हाथ से ऐसे करके खोल के। अपनी मर्जी के मुताबिक आपको जितना अच्छा लगता है उतना चिकन को फ्राई कर लो। प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसका मतलब है कि चिकन रेडी है। मैं करने लगी हूँ चिकन को डिश आउट। हमारा स्टीम चिकन रेडी हो गया है, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। साथ में सर्व करी हूँ ज़ाफ़रानी राइस। दिस इज़ एन एक्सेलेंट रेसिपी एज अ प्लेटर, बहुत अच्छा लगता है फॉर पार्टीज़। आगे हॉलीडे सीज़न आ रहा है, तब पार्टीज होंगी, तो आई होप आप लोग ये रेसिपी बनाओगे और इन्जॉय करोगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू लिविंग इट अप विद बीनिश। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स। अल्लाह हाफ़िज़।